हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर सेट करना, शेयर जरूर करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक जरूर से करना है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी सीरीज़ के सेकेंड पार्ट के बारे में, जो कि हिस्ट्री के ऊपर चल रहा है और फिलहाल हम कवर कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, और एंशियंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ वन लाइनर्स के फॉर्म में, ठीक है, इसको आपको नोट करते चलना है और बार बार रिपीट पे वीडियो को देखना है, जिससे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको सब याद हो जाएं। और याद रखिए कि इस तरह के क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, चाहे कोई सी भी कॉम्पिटिशन हो, चाहे UPSC की बात करें, UPPCS की बात करें, UP SSSC की बात करें। वैसे बता दूँ कि यहाँ पर जो मेन फोकस है वो UPSC और UPPSC यानी UPPCS इन एग्ज़ाम्स को लेके फोकस में लेके यहाँ पे ये वीडियोस बनाई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा UP SSSC और अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी उतने ही कारगर है, जैसे UPPSC AE या पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जो GS का सेक्शन पूछा जाता है उसमें ये आने के अच्छे खासे चांस रहेंगे। ठीक है, तो आपको बार बार इस वीडियो को देखना है और शेयर करना है, और जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि मेरे नोट्स में इंक्लूड नहीं है यानी आपके नोट्स में इंक्लूड नहीं है उसको आप नोट भी कर लीजिए, ये आपके लिए एक सजेशन है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखा है जनरली थ्री नेम्स यूज्ड फॉर दिस सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन के लिए तीन नामों से जाना जाता है, इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ स्टुअर्ट पिगोट, ठीक है, इसने क्या कहा था कि हरप्पा और मोहनजोदारो जो हैं ट्विन कैपिटल हैं इस पूरे एम्पायर के यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के। जॉन मार्शल ने कहा था, जॉन मार्शल जो थे फर्स्ट पर्सन थे जिसने इस सिविलाइजेशन को इंडस सिविलाइजेशन बोला था। और मोस्ट एक्सेप्टेड डेट जो है इसकी कार्बन डेटिंग के थ्रू ये जानी जाती है कि 2300 BC से लेकर 1700 BC का जो टाइम था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। द टाइम ऑफ कल्मिनेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस सिविलाइजेशन, इसको आप नोट कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो इसकी कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन, इंडस वैली के समकालीन जो जो सिविलाइजेशन थी वो दो सिविलाइजेशन को माना जाता है, एक तो मेसोपोटामिया जो कि इराक है, इराक के नाम से भी जानते हैं इसको मेसोपोटामिया को, और इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये इसके समकालीन सिविलाइजेशन जानी जाती हैं। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन की यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ से जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ उससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो इनको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या नोट कर लेना है या फिर बार बार लूप पे वीडियो को देखना है। ठीक है, इससे ताकि आपके दिमाग में ये बिल्कुल एकदम फिक्स हो जाए, आप बिल्कुल भी कुछ ना भूलें कभी भी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, इन दो हिस्सों में बंटा हुआ है। पाकिस्तान में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पार्ट आता है वो बलूचिस्तान में आता है, पंजाब में आता है, सिंध में आता है, और इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न UP, जम्मू कश्मीर और वेस्ट महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ पे आता है। अब आपको इंडस वैली एरिया के बारे में यहाँ पे देखना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपको नोट करना है कि इसके जो बाउंड्रीज़ थी, सबसे बाउंड्रीज़ पे पड़ने वाले जो एरियाज़ हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री पे पड़ने वाला एरिया है वो मांडा है, ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा सुतकागोंदोर, ठीक है, सुतकागोंदोर ये वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाता है। आलमगीरपुर जो कि UP में है ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाता है, और दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है ये सदर्न मोस्ट बाउंड्री बनाता है। ठीक है, इसको नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ऐसे ये फ्रेम हो सकता है UPPCS की 2023 में ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री के बारे में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं अगली बार इसको चेंज करके इसमें से कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है, नोट कर लेना। हरप्पन सिविलाइजेशन के जो एक्सकेवेटर थे, ठीक है, अपने लेफ्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे हरप्पा के जो एक्सकेवेटर थे यानी जो जिन्होंने खुदाई वगैरह का कार्यक्रम करवाया था वहाँ पे, तो ये जो है दयाराम साहनी ने करवाया था, मोहनजोदारो का राखल दास बनर्जी ने कराया था, चानहुदारो का NG मजूमदार ने किया था, लोथल का SR राव ने किया था, कलीबंगन का अमलानंद घोष ने किया था, बनावली का RS बिष्ट ने, धौलावीरा का JP जोशी ने, रोपड़ का BV लाल ने,
और सुतका गेंडोर का ओरेल स्टाइन ने किया था। एविडेंस हरप्पन सिविलाइजेशन में क्या मिलता है, कॉन्च ऑक्स मिलता है और पोर्ट्रेट मिलती है गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, उनकी पोर्ट्रेट मिलती है। सर्कुलर प्लेटफॉर्म बिल्ड बाय ब्रिक्स, मोसोलियम आस 37 सिमेट्री मिलती है, रेमिनेंट्स ऑफ व्हीट एंड बार्ली ग्रेन्स मिलता है, ब्रास हैंड नैरो मिलता है, पोर्ट्रेट ऑफ फिशरमैन और ऑन द पॉट मिलता है, एविडेंस ऑफ टू माउंट्स मिलता है। ठीक है, ईस्टर्न माउंट ये है और सिटी माउंट बोलते हैं ईस्टर्न माउंट को, और वेस्टर्न माउंट को फोर्ट माउंट बोलते हैं। और मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट जो है ये करंटली जो है सहीवाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये पाकिस्तान में है ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रवि रिवर। ठीक है, इसको नोट कर लेना है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट पे, सेकंड पेज पे चलते हैं। तो मोहनजोदारो का जो लिटरल मीनिंग है सिंधी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं माउंड ऑफ डेड। ठीक है, इसको आपको नोट कर लेना है। और इसमें जो एविडेंसेस मिलते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि ह्यूज ग्रीनरी कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस एरिया में मिलता है, तो आपको वहाँ पे टिक करना होगा मोहनजोदारो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो इसी तरीके से आपको अपना तैयार करना है। ठीक है, तो मोस्ट रिमार्केबल मोनूमेंट मिलता है यहाँ पर, और वर्ल्ड अमेजिंग कंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट ये दिया था जॉन मार्शल ने, मोस्ट नंबर ऑफ सील्स यहीं से प्राप्त होती हैं, ह्यूज ग्रीनरी यहाँ से मिलती है, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल यहाँ से मिलती है, पुजारी योगी स्टैचू यहाँ से मिलती है, स्टैचू ऑफ पशुपतिनाथ शिव, लॉर्ड शिव जो थे उनका, उनकी जो है स्टैचू मिलती है शिव शंकर भगवान की। इसके अलावा क्लैमशेल ट्रैक्स यहाँ से मिलते हैं और हॉर्स टीथ यहाँ से मिलते हैं, क्लोथ्स ऑन वेट सॉइल मिलता है, कॉटन क्लोथ मिलता है और एलिफेंट की क्रेनियल सेक्शन भी यहाँ से पाया जाता है। लोकेशन इसकी जो है लड़काना डिस्ट्रिक्ट सिंध पाकिस्तान में, और लेफ्ट ऑफ इंदस रिवर, इंदस रिवर के लेफ्ट में इसको आप देख सकते हैं, यानी कि यहाँ इसकी लोकेशन है। अब बात कर लेते हैं चान्हुदारो में, तो चान्हुदारो में क्या मिलता है ये नोट कर लेना है आपको। बीड मेकिंग फैक्ट्री मिलती है और फर्नेस मिलती है, ऑर्नेट एलिफेंट मिलता है, टॉय मिलते हैं, लिपस्टिक मिलती है, कर्व्ड ब्रिक्स मिलती हैं, डॉग्स के जो पैर के निशान है जो कि बिल्ली को पीछा करते हुए है दिखाया गया है, तो वो वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, कलीबंगन की यहाँ पे बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइट जो है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है यहाँ पे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, रिपीट करके क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लोड फील्ड कहाँ पे मिलती हैं, तो इसको टिक करना है आपको कलीबंगन में। ठीक है, कलीबंगन में आपको मिलती है, और ब्रिक्स यहाँ पे मिलती है। ठीक है, रॉ ब्रिक और बेक्ड ब्रिक्स जो दोनों ही यहाँ पे पाई गई हैं। अर्थक्वेक का एविडेंस यहाँ मिलते हैं, फायर पिट यहाँ पे मिलते हैं, वेल एंड रेक्टेंगुलर पिट मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। ठीक है, ईंट की जो भट्टी होती है उसके लिए जो फायर पिट होती है वो यहाँ पे पाई जाती है। स्टेटाइट और क्ले सील्स यहाँ पे मिलती हैं, पीसीज ऑफ पॉटरी यहाँ मिलती है। ठीक है, लोकेशन यहाँ पे है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। ठीक है, कलीमंगन ध्यान रखना है, ये आपको नोट कर लेना है। जैसे कि पूछा जा सकता है कि मोहनजोदारो किधर है, तो वो पाकिस्तान के सिंध लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है, उसी तरीके से कलीमंगन जो है आपका राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ में है। इसके अलावा लोथल की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉकयार्ड कहाँ मिलता है। ठीक है, तो डॉकयार्ड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये मिलता है लोथल में मिलता है। ठीक है, तो इसको आपको टिक करना है, नोट कर लेना है। इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि मेजर पोर्ट ऑफ ट्रेड जो था उस टाइम वो लोथल था वेस्ट एशिया का। ठीक है, डॉकयार्ड यहाँ मिलता है, पर्शियन करेंसी या सील यहाँ देखी जाती है, सॉलिड पेंटेड पॉट्स यहाँ मिलते हैं, पैडी राइस और बाजरा यहाँ मिलते हैं, पर्शियन सील यहाँ देखने को मिलती है, हॉर्स के स्कल्पचर यहाँ मिलते हैं आपको, थ्री कपलेट टॉम्स यहाँ मिलते हैं। ठीक है, अब इसकी लोकेशन क्या है, तो भाई लोथल जो है आपको नोट करना है अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं गुजरात में, और भोगवा रिवर के किनारे ये है। ठीक है, ये आपको नोट करते जाना है, जहाँ जहाँ रिवर और उस पर लोकेशन दे रखी है नोट कर लेना है, यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा धौलावीरा की बात कर लेते हैं, तो धौलावीरा जो है ये आपको गुजरात में मिलता है और रेक्टेंगुलर सिटी है ये। ठीक है, सिटी जो है तीन पार्ट में डिवाइडेड है, फोर्ट सिटी है, सेंट्रल सिटी है, लोअर टाउन सिटी है। अब यहाँ पे एविडेंस क्या मिलते हैं कि ह्यूज वाटर रिजर्वायर
पानी का रिजर्वायर यहाँ पे पाया जाता है। एडवांस वाटर मैनेजमेंट की चीज़ यहाँ पे देखी जाती है कि मैनेजमेंट अच्छा है वाटर का और एडवांस्ड है। लार्ज साइज इंस्क्रिप्शन विद 10 मार्क्स इन हरप्पन स्क्रिप्ट यहाँ पे मिलती है। लोकेशन जो है रन ऑफ कच्छ है इसकी, जो कि गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। अब चलते हैं तीसरे पेज पे, तो ये देख सकते हैं सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा जो है सिटी डिवाइडेड है दो कैटेगरी में, एक तो फोर्टिफाइड एरिया में और दूसरा हैबिटेशन एरिया जहाँ पे लोग रहा करते थे। ठीक है, तो एविडेंस यहाँ से जो मिलते हैं वो मिलते हैं हड्डियाँ, किसकी, हॉर्स की यानी घोड़े की हड्डियाँ मिलती हैं। ठीक है, पॉट बरियल यानी कि जो पॉट होता है वो गड़ा हुआ पॉट ऐसे मिलते हैं यहाँ पे। अब कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है ये भी और गुजरात में पाया जाता है। अब रोपड़ की बात करते हैं। रोपड़ जो है ये रूपनगर इसका मॉडर्न नाम है और रॉक सील यहाँ से मिलता है, चर्ट वेट में यहाँ से मिलते हैं, कॉपर एरो टिप्स एंड एक्स दोनों मिलते हैं, डोमेस्टिकेटेड डॉग्स के जो कि मैन के साथ ही गाड़ दिए गए थे उनके मरने के बाद, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी रोपड़ से एविडेंस के फॉर्म में। लोकेशन इसकी पंजाब है, पंजाब आपको पता ही है। ठीक है, रोपड़ जो है पंजाब में ही है सभी को पता होगा और ये लेफ्ट बैंक पर पाया जाता है सतलज रिवर के। अब दैमाबाद की बात करते हैं जो कि आपका महाराष्ट्र में मिलता है और ये सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, ये आपको नोट करना है, सदर्न मोस्ट पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यहाँ पे मैन ड्राइविंग ए चैरियट मिलता है, बुल एंड राइनो फिगर्स मिलते हैं, इंडस स्क्रिप्ट यहाँ पे मिलती है और पॉट सॉसर एंड कप यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की। ठीक है, तो बालाकोट में जो एविडेंस मिलता है वो पीस ऑफ बंगाल यानी चूड़ी के टुकड़े मिलते हैं। ठीक है, जो कि शेल से बनाए गए थे। मांडा से ब्रॉन्ज मेड यानी ब्रॉन्ज से बनाई हुई स्क्रूपिन मिलती है। नौसारो से बर्मिलियन एविडेंस मिलते हैं ऑन द फोरहेड ऑफ वुमेन। रंगपुर से राइस ब्रांड का एविडेंस मिलता है। लोथल से टू व्हील्स ऑफ सर्कुलर मिल मिलते हैं। कलीबंगन से कॉपर स्टैचू मिलता है और हरप्पा से पिक्चर ऑफ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम द वुमेन्स वूम्ब। ठीक है, ये आपको मिलेगा। गुलास जो है गुलास यहाँ से इंडस स्क्रिप्ट कंटेनिंग सील मिलती है सुरकत, और ये गुलास जो है ये आपको उत्तर प्रदेश का एरिया में मिलता है। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। और सुतका गेंदोर जो है वो रेमिनेंट्स ऑफ द क्ले बैंगल्स मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से जॉइंट एनिमल स्कल्पचर मिलते हैं, बॉडी शीप की मिलती है और हेड एलिफेंट का मिलता है, ये आपको नोट करना है। अब बात करते हैं बनावली की। तो बनावली की करेक्टरिस्टिक बात करें तो यहाँ पे 3 लेवल्स ऑफ इंडस कल्चर पाया जाता है, अर्ली मैच्योर और लेट। ठीक है, क्रिस क्रॉस रोड यहाँ पे मिलती हैं ग्रिड पैटर्न के फॉर्म में। ठीक है, ये नोट करना है। इसके अलावा जो ऑप्टेंड एविडेंसेज हैं वो है लपीज लजूली और कॉर्नेलियन बीड्स यहाँ पे मिलती हैं आपको, और प्लो शेप्ड टॉय। ठीक है, यानी कि प्लो जो हल होता है उसके जैसे टॉयज यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि प्लो शेप्ड टॉय जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस साइड से मिलते हैं, तो ये आपको नोट करना है, बनावली से ये मिलता है कॉपर। इसके अलावा जो है सील और वेट्स यहाँ पे मिलते हैं, इसका जो लोकेशन है तो ये आपको ध्यान से रखना है अपने दिमाग में कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में मिलता है हरियाणा में। ठीक है, ये नोट कर लेना है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ठीक है, ये आपको नोट करना है। इसके अलावा इंडस इनहेबिटेंट स्टार्टेड द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन बाइंग एंड सेलिंग वाज डन बाय द बार्टर, यानी बार्टर सिस्टम चला करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि आप मेरे से आलू ले लो, मैं आपसे जो है गेहूँ ले लेता हूँ, ऐसे करके ये चलता था। ठीक है, क्योंकि कॉइन्स नहीं थे तब। ठीक है, और वेट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वर मेनली क्यूबिकल थे। मेलुहा व हैज़ बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम द सिंध रीजन। ठीक है, मेटल स्क्रिप्चर्स वर मेड विद द लॉस्ट वैक्स और हनीकॉम मेथड, इसको नोट कर लेना कि स्कल्पचर पहले जो है लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाए जाते थे। ठीक है, ये 2022 के UPSC पैट के एग्ज़ाम में आया था। मोस्ट ऑफ द स्कल्पचर्स हैज़ बीन ऑब्टेंड आर ऑफ एनिमल और बर्ड के स्कल्पचर सबसे ज़्यादा मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा सील्स जो बनी हुई मिलती हैं वो स्टीटाइट की बनी हुई मिलती हैं। हाईएस्ट मार्किंग ऑफ द सील्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज़ वन हॉर्न बुल एंड देन ऑफ द बुल विद द हम।
सबसे ज़्यादा जो सील मिलती हैं वो वन हॉर्न बुल की मिलती हैं, और एक बुल जिसका जो है हम कूबड़ है, ठीक है, उसकी जो है आपको सील्स मिलती हैं सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला जो स्पोर्ट हुआ करता था उस टाइम पे वो डाइस वाला गेम है, ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना। तो सेकंड जो लेक्चर है वो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में आप ज़रूर आएंगे, इसका मैं पूरी तरीके से एक्सपेक्ट करता हूँ। और आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, लाइक ज़रूर से करेंगे, और बार बार इसको रिपीट करेंगे, जिससे कि ये पूरी जो वन लाइनर्स के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, और जिसकी संभावना है कि यूपीएससी से लेके UP SSSC तक के लेवल हर एक एग्ज़ाम को ये मतलब कवर कर लेगा, ठीक है, ऐसी मेरा मानना है। और आपको भी नोट करते चलना है, बार बार रिपीट पर देखना है, तो शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।